रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों से लैस हुई हमीरपुर पुलिस अब तुरंत मौके पर पहुंचेगी। हमीरपुर जिला को 8 350 cc मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड मिलने पर किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए अब आसानी होगी। हमीरपुर एसपी अर्जित सेन ने बताया कि 8 मोटरसाइकिल शिमला हेडक्वार्टर की ओर से दिए गए हैं और जल्द ही अन्य थानों में भी बेचे जाएंगे। एसपी अरिजीत सिंह ने बताया कि नई मोटरसाइकिलों के आने से पुलिस को घटनाओं पर पहुंचने के लिए समय कम लगेगा। उन्होंने बताया कि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि पुलिस जल्दी से जल्दी घटना स्थल पर पहुंचे। ऐसे में पहले पुलिस को देरी होती थी, लेकिन अब नए 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मिलने पर पुलिस समय पर लोगों के पास पहुंचेगी। गौरतलब है कि हमीरपुर पुलिस थानों के पास मोटरसाइकिलों की हालत खस्ता हो चुकी थी, जिसके कारण कई बार पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने के लिए दिक्कतें पेश आती थी, लेकिन अब नए 350 सीसी मोटरसाइकिलों के पहुंचने पर पुलिस के कर्मचारी भी राहत की सांस लेंगे। सोलन के अरुण भारद्वाज को अफ्रीका में उनकी सामाजिक सेवाओं के चलते फ्रेंड और अफ्रीका अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि अरुण भारद्वाज विश्व में प्रेरक बनकर सही राह दिखा रहे हैं और उनके जीवन को एक दिशा दे रहे हैं। अरुण टॉप की मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन उनके बेहद करीब मित्र की डिप्रेशन से हुई मौत ने उन्हें अंदर तक झिंझोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये प्रण लिया कि वे अपने मित्र की तरह किसी को मौत का ग्राहक नहीं बनने देंगे। और तब से वे प्रेरक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब वे विश्व के कोने कोने में जाकर लोगों को न केवल डिप्रेशन से निकालते हैं, बल्कि उन्हें जीवन जीने की नई राह दिखाते हैं और उनके बेरंग जीवन में रंग भी भरते हैं। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कार्यालय और विदेशों से उन्हें बुलाकर उनसे जीवन को सही रूप से जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। अरुण क्योंकि सोलन से हैं, इसलिए वह हिमाचल के लिए विशेषता युवाओं और पथ से भटके लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सोलन में प्रेस वार्ता पर यह बताया कि जल्द हिमाचल के युवाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे। मोटिवेटर अरुण भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो उन्हें सही राह दिखाने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शक जो उनके अध्यापक होते हैं उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि जो युवा हिमाचल से बाहर जाएं वे प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे न, आधुनिक शिक्षा उन्हें दी जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आज युवा बह जाना चाहता है कि जो ज्ञान इंटरनेट पर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें फिर से गुरु ज्ञान लेने की जरूरत है जो पहले आचार्यों से मिलता था, जिनका अनुसरण कर हम संस्कार और शिक्षा दोनों ग्रहण करते थे। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के निर्मल ग्राम पंचायत नोनी ने जहां स्वच्छता के मामले में कई अवार्ड जिला व राज्य स्तर पर अपने नाम किए हैं, वहीं अब नोनी पंचायत के नाम एक और नई ख्याति जुड़ गई है। आपको बता दें कि पंचायत के बगैर गांव को भारत के सबसे साफ व सुंदर गांव का अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस गाँव को सम्मानित किया गया। इस दौरान निर्मल ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान बलदेव ठाकुर को राष्ट्रपति द्वारा सबसे साफ गांव के प्रधान के रूप में अवार्ड देकर नवाजा गया। ये अवार्ड इंडिया टुडेज फाइगिरी के तहत दिया गया। जानकारी के अनुसार एक एजेंसी द्वारा बीते दिनों देश भर में सफाई को लेकर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में देश भर के गाँव को देखा गया, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को लेकर टीम ने गाँव का चयन किया और जिसके बाद अवार्ड के लिए नौणी पंचायत के प्रधान बलदेव ठाकुर को सूचित किया गया। वहीं पंचायत प्रधान बलदेव ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान देश भर की कई विभूतियों को उनके द्वारा पर्यावरण स्वच्छता, जल संरक्षण, प्लास्टिक निपटान, समुद्र में सफाई आदि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं उनकी पंचायत के बगोल गाँव को देश के सबसे साफ सुथरे गांव के रूप में चुना गया है, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए वे जहां प्रदेश सरकार
जिला प्रशासन नौणी विश्वविद्यालय का आभार जताते हैं। वहीं पंचायत को साफ सुथरा व सुंदर बनाने में सहयोग लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों उनकी पंचायत को अवार्ड मिलना उनके व उनकी पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है और अब वे पंचायत को और सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने इस सब के लिए मीडिया का भी आभार जताया। वहीं बगौर के वार्ड सदस्य राजेंद्र मेहता ने बताया कि उनकी पंचायत के हर गांव में स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है और आने वाले दिनों में भी पंचायत को इसी तरह साफ सुथरा व स्वच्छ रखा जाएगा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व दशहरा उत्सव सुजानपुर मैदान में भव्य एवं शानदार तरीके से मनाया गया। रावण दहन के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा राम रावण युद्ध आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की और मध्य मैदान में पहुंचकर रावण दहन कार्यक्रम का हिस्सा बने।